हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चेतना ब्लॉग में। आई होप कि फ्रेंड्स आप सब लोग अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से। नहा धो के मैं कर रही थी पूजा और आज है कुछ स्पेशल, आज है हमारी एनिवर्सरी, तो मैंने सोचा आज मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर लेती हूँ ब्लॉग और आप भी आज मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और देखो आज मैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक का बनाती हूँ ब्लॉग और जैसा भी हो पूरा वॉच करना। और यहाँ पे पूजा वगैरह भी हो गई थी, उसके बाद नाश्ता किया हमने, तो नाश्ता में सिंपल सा कुछ नहीं क्योंकि लेट ही हो जाता है संडे के दिन, तो मैगी खा ली थी सबने। और उसके बाद होते हैं घर के काम स्टार्ट, क्योंकि झाड़ू पोछा और पूजा वगैरह सब कुछ तो हो जाता है मॉर्निंग में, फिर बाकी काम मैं बाद में करती हूँ। यहाँ पे मैं बेड शीट चेंज कर रही थी। आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि आज का है कुछ खास और स्पेशल ब्लॉग एनिवर्सरी, और एक सरप्राइज और है, वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा आगे। बहुत ज़्यादा डस्टिंग भी हो रही थी तो साथ ही साथ मैं वो भी साफ कर रही थी क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं संडे के दिन, तो संडे का दिन तो साफ सफाई में ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है पूरे दिन का। उसके बाद निपटाए किचन के छोटे मोटे काम, दूध गर्म करना था, बेबी के लिए एप्पल प्योरी बनानी थी, बहुत सारे काम होते हैं किचन में तो अब मैं वही सारे काम कर लूँगी। फिर साथ ही साथ हो रही थी दिन के लंच की तैयारी। दिन के लंच में सिंपल सा दाल चावल बनाया था और पुदीने की बनाई थी मैंने चटनी। और यहाँ पे हमारा एक गिफ्ट आ चुका था तो उसी की ओपनिंग कर रहे थे, मैंने सोचा उसे निकाल के रख देती हूँ और आप लोग भी देखिए। अभी मैं नहीं बताऊँगी कि किसने क्या गिफ्ट दिया था, इसका मैं एक अलग सा ब्लॉग बनाऊँगी क्योंकि सारे गिफ्ट का, तो अभी आप लोग देख लीजिए। एक ये प्यारा सा गिफ्ट है, ये है राधा कृष्णा, ये मेरी बेटी को जो बहुत पसंद है, उसे बस ऐसे ही करना होता है। आप लोग भी देख लीजिए कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पे मेरी दाल भी बन चुकी थी, इसके बाद अब मैं बनाऊँगी पुदीने की चटनी क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगती है गर्मियों में पुदीने की चटनी। यहाँ पे हमारा लंच हो गया रेडी, सिंपल सा दाल चावल और पुदीना की चटनी। लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर हम लोग गए थे शाम को मार्केट क्योंकि हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो सामान लेके हम लोग घर भी आ चुके हैं। घर आके बनाई मैंने चाय सबके लिए और फिर मैं पी रही थी चाय। यहाँ पे बेबी भी उठ चुका था तो मैंने सोचा उससे थोड़ा बातें भी कर लूँगी यहाँ पे और चाय भी। उसके बाद सीधे हो गई थी शाम, क्योंकि शाम को खाने की करनी थी तैयारी। यहाँ पे पनीर कट करके रख दिया है और खाना स्टार्ट हो गया है बनना। यहाँ पे आए आज हमारे स्पेशल गेस्ट, वो है मेरे जीजू जो कि आज आए हैं हमारे यहाँ पे।
मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आज के दिन ही आए, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी भी थी और यहाँ पे मेरे देवर जी का बर्थडे भी है आज। तो यहाँ पे पहले बर्थडे का केक कटिंग हुआ था, उसके बाद हमारा एनिवर्सरी का। तो यहाँ पे भैया तो पास में ही रहते हैं और जीजू आए थे, तो आज का हमारा कुछ स्पेशल हो गया जीजू के आने से। अच्छा लगा मुझे बहुत। यहाँ पे सबने केक खिलाया, फोटोज वगैरह ली। अब होता है यहाँ पे हमारा केक कटिंग। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। केक कटिंग के बाद यहाँ पे सब लोगों ने, पूरे फैमिली ने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की सब ने। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने भी, क्योंकि बेबी पहले सो रहा था, वो उठ गया था, उसको लेके आए थे, तो उसकी भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने अपने साथ ली थी। और यहाँ पे बाकी खाना बन चुका था, हमने सोचा पूरियों की लोई हम पहले ही बना लेते हैं और फिर जाके हम एक साथ पूरियाँ बना लेंगे। बेटी के हाथ पे था कैमरा और उसी ने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद हमने, मतलब पहले केक वगैरह सब कुछ खाने के बाद फिर यहाँ पे हमारा डिनर की तैयारी होती है। और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। और कैसा लगा मेरा ये आज का ब्लॉग, मॉर्निंग से नाइट तक का मेरा एनिवर्सरी ब्लॉग, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। चैनल पे जो लोग भी नए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।